नमस्कार दोस्तों। एक मित्र ने पूछा था कि भूत प्रेत क्या होते हैं और उनके बारे में थोड़ा बताने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो होलोग्राफिक यूनिवर्स में, इस प्रोग्राम्ड यूनिवर्स में, प्रोग्राम की दुनिया में भूत प्रेत बेसिकली सिंपल प्रोजेक्शंस ऑफ माइंड, फोर्थ डायमेंशन से जो भी, फोर्थ डायमेंशन में जो भी सोए हुए हैं उनका माइंड जो है, ठीक है, उनका जो प्रोजेक्शन है, नॉट माइंड, यू कैन से दैट प्रोजेक्टेड, इट्स कॉल्ड सोल माइंड, ठीक है, वो अटका हुआ है। ठीक है, वो ना इस दुनिया में फिजिकली है क्योंकि थ्री डायमेंशनल बॉडी में नहीं है, ना वो फिफ्थ डायमेंशन में है, ना फोर्थ डायमेंशन में है। फोर्थ डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन के बीच में अटका हुआ है, ठीक है, ये एक बात है। और दूसरा है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो सोल्स होते हैं वो वेटिंग रूम को जाते हैं, अलग अलग किस्म के वेटिंग रूम होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का जो इमीडिएट उनको पुनर्जन्म कराना है तो उनको स्पेसशिप में लिया जाता है, ठीक है। ये स्पेसशिप हमारा डायमेंशन का नहीं है तो इसलिए हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है, फोर्थ डायमेंशन का होता है। तो फोर्थ डायमेंशन स्पेसशिप जो है, ठीक है, तो उसके अंदर उनको ले दिया जाता है, कुछ लोगों को वेटिंग रूम में रखा जाता है और कुछ लोगों को पुनर्जन्म में लिया जाता है। तो ये वेटिंग रूम क्या है, तो वेटिंग रूम में क्या है कि ना वो इस दुनिया का है ना वो फोर्थ डायमेंशन का है, बीच में वेटिंग रूम है। एंड दिस वेटिंग रूम्स आर क्रिएटेड बेसिकली आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैं कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम जिस दुनिया में जीते हैं थ्री डायमेंशन, ठीक है, तो यहाँ भी हम एक्चुअली नहीं हैं, हमारा अवतार बॉडी है, ठीक है। ये जो हमारा जो शरीर है जो आपको दिखाई देता है वो हमारा मतलब एक होलोग्राफिक थ्री डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। तो इससे हम जब बाहर जाते हैं तो ये, हाँ सॉरी, तो ये हमारा जो धरती है वो बहुत ही स्लो वाइब्रेटिंग थ्री डायमेंशनल वाइब्रेटिंग है, ठीक है। तो जब आप वाइब्रेशन को और फास्ट करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि किरणें, जैसे कि बहुत सारी किरणें ऐसे हैं, जब मैं बता रहा था गामा रेस, एक्स रेस, जो भी, वो हमें दिखाई नहीं देते, तो उसके उससे भी फास्ट। तो धीरे धीरे जब वो एकदम वेव फॉर्म बनने लगता है तो वो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन ऐसे, ठीक है। तो फिफ्थ डायमेंशन में पार्टिकल्स नहीं रहते, सिर्फ वेव्स रहते हैं, ठीक है, वेव से ही सब कुछ बनता है। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन बी आइदर ए वेव और ए पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्वांटम स्टेट उसको बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बताया था, आप जाके उधर आप समझ सकते हैं। तो ये फोर्थ डायमेंशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन योर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि कोई है जो मर्डर वर्डर किया है, जिसने काफ़ी खून कत्ल जो भी किया है, तो वो एक टाइप का वेटिंग रूम में जाता है, नर्क टाइप का, जहाँ सेम इवेंट बार बार रिपीट होता है, तो उसका मर्डर होता है। मतलब जो आदमी, जिस आदमी ने मर्डर किया है, क्योंकि वो उसके मन में एक रह जाता है कि हाँ मैंने मर्डर किया, और दूसरी बात है कि उसका कर्मा अटैच होता है, तो उसका ही बार 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 एक ही टेप रिवाइंड होके तो एक टाइप का नर्क है वो। कुछ लोग होते हैं जो डिसेंट लाइफ जीते हैं, जैसे कि बहुत सारे आम आदमी हैं दुनिया में जो अच्छे हैं, भले हैं, जिनकी आत्मा अच्छी है, लेकिन वो उनको नहीं, मतलब इतना डीप स्लीप में है तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता। वो सोचते हैं कि जो भी धर्म ग्रंथ में लिखा है सब कुछ सच है, हम अच्छे हैं तो हमारा अच्छा ही होगा। उनको अच्छाई से ज़्यादा लगाव है सच्चाई से नहीं, क्योंकि उनको सच पता नहीं है या पता नहीं करना चाहते।
तो क्या होता है जब वो मरते हैं तो सब उनके भाई बंधु बनके कुछ प्रोजेक्शंस आते हैं तो उनको ले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि वो वेटिंग रूम में बैठते हैं तो बाकी आत्माएं भी आती हैं तो सब भूत एक जगह बैठ के डिस्कस करते हैं, क्या हुआ, आप कैसे, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, क्या हुआ, यार मैं ऐसे मर गया, वैसे हुआ, वह हुआ। तो इस वेटिंग रूम्स में एक बात यह है कि टाइम का कोई पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर आपने कोई अच्छा मूवी देखा, आपको टाइम पता नहीं चलता है ना, वैसे ही तो वहाँ टाइम नहीं पता चलता है, ठीक है। तो और एक सिंपल एग्जांपल, रात को जब आप सोते हो, आप सुबह उठते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने 8 घंटा सोया। तो अगर सपना सिर्फ 15 मिनट का है तो आपको लगता है कि सिर्फ आपने, आपको सिर्फ 15 मिनट याद रहता है, बाकी तो बिल्कुल याद नहीं रहता। तो सिमिलरली वहाँ भी उनको टाइम नहीं पता चलता, बातें करते रहते हैं। तो जब वो वापस, उनको उनका नंबर आता है, बोलते हैं कि आपका नंबर आ गया, आप इस बॉडी में जा सकते हैं, ये आपका लाइफ रिव्यू है, हुआ है, तो एक फ़ाइल की तरह, तो वो वापस जाते हैं। तो मैं तब 100 साल 200 साल भी हो गया होगा, या उनको लीनियरली या नॉन लीनियरली किसी भी टाइम में चिपका सकते हैं, क्योंकि टाइम नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। टाइम तो इधर है, थर्ड डायमेंशन में, फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन में कोई टाइम वाइम नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिस उनको बताया जाता है कि आपने ये कर्म किया, वो कर्म किया, आपने इतना ये किया, ये आपका अकाउंट है। तो आप चित्रगुप्त टाइप का आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि आपने, अच्छा, आपको ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं मिला, तो क्या आप ऐसा लाइफ चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल आपको प्यार मिलेगा, या ज़िंदगी में आपने कुछ हासिल ही नहीं किया, तो आपको और एक मौका मिल रहा है, चाहिए कुछ हासिल कीजिए। तो 99% ऑफ द आत्माएं इस जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। तो वो सोचते यही हैं। किसी मित्र ने पूछा भगवद गीता, श्री कृष्ण अवतार विष्णु ये वो, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको सच्चाई जाननी है, ठीक है, एवरीथिंग यू हैव रेड, मतलब हर पुस्तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर आप पूछते हैं कि क्या मैंने पढ़ा है, भाई साहब मैंने सर बुक्स पढ़ चुका है, मैं खुद एक ज्योतिष गुरु था पहले, ठीक है, मैं उसी अंधेरे से इधर आया हूँ, उसी अंधकार में मैं फंस गया था, इन्हीं बुक्स को पढ़ पढ़ के मैं अपना मन बना चुका था कि सब सच है। तो महाभारत हुआ था, हाँ हुआ था, रामायण हुआ था, हाँ हुआ था, क्या विष्णु भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं है, महादेव भगवान नहीं है, इनमें से कोई भी भगवान नहीं है। यू कैन से दे आर सुपर नेचुरल बींग्स, दे हैव सुपर पावर्स, दे आर नॉट गॉड द फाइनल सुप्रीम क्रिएटर, दे आर नॉट दैट। हमारी तरह आपकी तरह वो भी क्रिएशंस हैं। तो इन्होंने क्या किया, दे आर ऑल्सो लाइक यू नो पेइंग सम कर्मा, आई मीन दे हैव क्रिएटेड दिस होलोग्राफिक दुनिया, इस दुनिया को उन्होंने क्रिएट किया है, लेवल्स क्रिएट किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी एक जाल है, एक आपको तपस्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, मैं बस इतना ही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैंने समझा है और जो मैं इतना आध्यात्मिक चिंतन किया है और इतना मैंने अपने बाल को पकाए हैं इन चीज़ों में, इसलिए मैं आपकी मदद करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मदद नहीं चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि आप मर जाएंगे तो विष्णु दूत आएगा या यम दूत आएगा और आप वो आपको स्वर्ग ले जाएंगे, ठीक है, रंभा मैन का डांस करेगी या उससे ऊपर जाएंगे, जो भी है सब बकवास है, ठीक है, सब मोह माया है। क्योंकि सिंपल चीज़, असली भगवान कभी भी कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल का मतलब कोई भी ऊंच नीच नहीं क्रिएट करता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। सबसे बड़ा विष्णु, उससे उसका ये नाभि से आया ब्रह्मा, इससे आया वो, उससे आया ये, इसका बेटा वो, उसका बेटा ये सब एक्चुअली कहानियाँ हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बहस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक्चुअली इनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। मैंने काफ़ी पढ़ा है, मैंने इनफैक्ट मैं 30-40 साल से तो वही तो पढ़ते आया हूँ जिसको मैंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो आप
ये जो भी विष्णु ने जो बनाया है, अब विष्णु भी एक और एक ये है, एंटिटी है, तो वो भी एक यूनिवर्स है। आप उधर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको इधर वापस आना पड़ेगा। आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, आप फिफ्थ डायमेंशन नहीं जा सकते। कोई भी दुनिया हो, वेदर इट इज़ विष्णु की दुनिया, लूसीफर की दुनिया, कोई भी दुनिया हो, सब मिले हुए हैं या एक प्रोसेस बनाया है बेसिस बेस्ड ऑन योर रिलीजन। आपका कोई भी धर्म हो, आपको पहले वेटिंग रूम, आप अच्छे हैं तो थोड़ा वेटिंग रूम में आपके जैसे लोग मिलेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे और आप मतलब सोए रहेंगे और क्या, उनसे बातचीत करेंगे वापस इधर आएंगे। ये संसार का जो चक्र है, 3-4, 3-4, 3-4, थर्ड डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन, यही आपका ज़िंदगी का सच बन जाएगा। तो भूत प्रेत जो भी हैं वो सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं। आप फोर्थ डायमेंशन में, असली वाले फोर्थ डायमेंशन में आप सोए हुए हो। आप जब आप मरेंगे, अगर आपको अंधकार दिखेगा, बिल्कुल भी डरिएगा मत। आप चलें, भागें, दौड़ें, जो कुछ भी करें, उड़ें, बस चलते रहिए। आपके अंदर, अगर आपके अंदर एक आत्मा है, शक्ति है, वही आपको रास्ता दिखाएगी। ठीक है, तो ये भूत प्रेत का टॉपिक मैं अभी ख़त्म करता हूँ। कुछ और टॉपिक के साथ मैं वापस आऊँगा। धन्यवाद।